दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ जब एक 9 दिन के बच्चे को बचाने खुद नाग देवता दौड़े चले आए। और फिर जो हुआ उसे देखकर आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। दरअसल यह घटना घटी बंगाल के एक छोटे से गांव में रहने वाले मोहनदास जी के साथ। मोहनदास जी महादेव शिव के एक अनन्य भक्त हैं। रोज सवेरे वो खेत जाने से पहले महादेव मंदिर अवश्य जाते हैं। मोहनदास जी, हाल ही में उनकी नई नई शादी हुई थी। शादी को देखते ही देखते 3 साल बीत गए थे, लेकिन उनके घर बच्चे का जन्म नहीं हो रहा था। एक दिन जब सवेरे मोहनदास जी अपने खेत से वापस महादेव मंदिर आ रहे थे, तो उन्होंने मन ही मन महादेव से कहा कि मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति चाहिए। इसी बीच उनके घर एक बच्चे का जन्म हो गया। मोहनदास जी और उनकी पत्नी का खुशी के मारे कोई ठिकाना नहीं था। जब उनका बेटा 9 दिन का हुआ तो मोहनदास और उनकी पत्नी ने महादेव मंदिर जाने का सोचा। तभी महादेव मंदिर का रास्ता नदी पार करते हुए जंगल से था। मोहनदास जी की पत्नी ने बच्चा अपनी गोद में पकड़ा हुआ था, तभी उनका पैर नदी में फिसल गया। बच्चा नदी के बहाव में डूब गया। मोहनदास जी बहुत ही परेशान हो गए। उनकी पत्नी का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। जब उन्होंने अपनी आंखें बंद करके महादेव शिव को याद किया, तो नदी के उस पार जो शिव मंदिर है उसमें एक नाग के ऊपर उनका बच्चा बैठा हुआ था। इसी बीच उनके बच्चे को देखकर मोहनदास जी समझ गए कि ये तो महादेव शिव का चमत्कार है, जिन्होंने मेरे 9 दिन को बच्चे को वापस लौटा दिया और मुझे नई जिंदगी दी। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।